हरे कृष्णा। तो कॉकरोच मच्छर मारना क्या अपराध में आता है? तो कई बार हम देखते हैं कि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घर में कॉकरोच मच्छर आते रहते हैं, और मच्छर अगर काट ले तो उस व्यक्ति को जान का खतरा भी हो सकता है, उसको डेंगू हो सकता है, उसको मलेरिया हो सकता है, उसको और भी तरह की बीमारियां हो सकती है। कॉकरोच से इतना गंदगी ज़्यादा फैलती है और उससे भी बीमारियां फैलती हैं। चूहे तो हमारे घर को बहुत गंदा कर देते हैं, छिपकलियाँ हमारे घर में आती रहती हैं, तो नाना प्रकार की परेशानियाँ हैं। तो क्या उनको मारना चाहिए? वैसे तो सभी लोग मारते हैं उनको, है ना। अगर कोई हाथ से नहीं मार रहा है तो उसको कुछ ऐसी दवाइयाँ, कुछ ऐसे केमिकल लोग डालते हैं कि वो मर जाए। लेकिन कुछ दयालु व्यक्ति भी हैं इस दुनिया में, कुछ भक्त हैं जिनके हृदय में प्रेम है हर जीव के लिए, तो वो सोचते हैं कि हम इनको नहीं मारें। अब नहीं मारें तो फिर कैसे बचें इनसे? ये जो परेशानी घर में गंदगी है, खाना भी बना रहे हैं उसमें गंदगी है, तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन फैलने का डर है, तो अपनी जान का भी खतरा है। तो किस तरह से इन चीज़ों से हम छुटकारा पाएं? क्या हम इनको मारेंगे तो कोई अपराध नहीं लगेगा? कॉकरोच को मारने में क्या ही अपराध लगेगा, मच्छर को मारने में क्या ही अपराध लगेगा, इस तरह का लोगों के विचार रहते हैं। तो हम अगर भगवद्गीता से समझेंगे तो ये भी एक योनि है, ये भी एक आत्मा है, इनके अंदर भी आत्मा है, कॉकरोच के अंदर भी, मच्छर के अंदर भी, और 84 लाख योनियाँ जो भगवान ने बनाई हैं उनमें से ये जीव भी आते हैं, और बताया जाता है ये कृमि में आते हैं, और जो कि 11 लाख हैं। 84 लाख योनियों में से 11 लाख की संख्या इनकी है, और 4 लाख टाइप के मनुष्य होते हैं, जलचर थलचर नभचर, है ना। तो बहुत सारे जीव हैं और अलग अलग योनियां हैं। तो अपने अपने भगवान के उस अनुसार, है ना, ये अपना जीवन जी रहे हैं। एक मनुष्य ही है जो भगवान प्रकृति के अनुसार अपना जीवन नहीं जी रहा, जिसने अपनी अपने भोग के लिए, सुख उपभोग के लिए बहुत सारी चीज़ें बना ली जो उसको ही नुकसान दे रही हैं। लेकिन हम पशु पक्षी कीट पतंगे देखें, जैसा कि प्रकृति ने उन्हें बनाया और जो चीज़ें उनके खाने के लिए बनाई वही वो खा रहे हैं। जैसे कि शेर कभी घास नहीं खाएगा, शेर कभी घास नहीं खाएगा, वो उसको तो मांस ही खाना है। और गाय कभी मांस नहीं खाएगी, मांस का भक्षण नहीं करेगी, उसको घास के लिए बनाया। तो ये लोग अपने अतिक्रमण कभी नहीं करते, जैसा प्रकृति ने बनाया उसी तरह से रहते आ रहे हैं, एक मनुष्य को छोड़कर। मनुष्य सबको मार सकता है अपने भोग के लिए, खाने के लिए भी वो बहुत सारे पशु की हत्या कर सकता है, और वो मक्खी मच्छर, है ना, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत तंग करते हैं, उन सबको भी दबा के मारता है। जब भक्ति में आता है व्यक्ति, कुछ भगवान की तरफ चलता है, तब उसको भय लगने लग जाता है, कहीं इससे मुझे पाप तो नहीं लग जाएगा, कहीं ये मेरा नुकसान तो नहीं कर देगा मैं मार दूँ तो। तो हमें समझना होगा कि ये भी भगवान की बनाई हुई आत्माएं हैं, इनके अंदर भी आत्माएं हैं, ये भी योनियां हैं। जैसे आप और पशुओं को मारते हो अपराध लगेगा, वैसे ही कॉकरोच मच्छर मारने में अपराध ही लगेगा। अब इनसे कैसे बचा जाए, क्या सॉल्यूशन इसका हो सकता है? तो सबसे पहले श्रील प्रभुपाद कहते हैं क्लीनलीनेस, सफाई, बोलते हैं कि एकदम स्पार्कलिंग क्लीन होना चाहिए आपका घर, स्पार्कलिंग चमकता हुआ, उसको पूरी तरह से आपको घर को नीट करना है। और घर की ही सफाई नहीं, नालियों की सफाई और घर के आसपास के भी वातावरण की सफाई। अब ये नहीं कि आपने घर में साफ कर लिया, घर के बाहर कूड़ा है, घर के बाहर पानी में पानी पड़ा हुआ है किसी पॉट में, तो वहाँ पे डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं। घर के बाहर मच्छर और चूहे और बहुत सारी चीज़ें पनप रही हैं, तो वो घर के बाहर की सफाई पे भी ध्यान देना चाहिए। अक्सर ये होता है लोग घर की सफाई करते हैं कि नहीं हमारे घर में सब है, लेकिन बाहर के वातावरण की, सोसाइटी की सफाई पे ध्यान नहीं देते, तो वो चीज़ें वहाँ से आ जाती हैं। आप घर भले ही साफ कर लें, चूहों के लिए क्या किया जा सकता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो भक्तों ने निकाली हुई हैं जिनको नहीं मारना है। तो नीम का इस्तेमाल करते हैं, नीम से छिपकली भी भाग जाती है, किस तरह का इन्फेक्शन भी नहीं होता। नीम का तेल का इस्तेमाल करते हैं, काऊ डंग केक्स यानी गोबर के कंडे को अगर आप बाहर जला देंगे
तो मच्छर भाग जाते हैं। आश्रमों में ऐसे ही चलाया जाता है, वो लोग नहीं मारते, गोबर के कंडे जला देंगे और उससे वो मच्छरों को भगा देते हैं। फिर काऊ गौमूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई भक्त जो ऑल आउट आता है ना उसमें डाल लेते हैं काऊ यूरिन को और उसको फिर जलाते हैं, तो उससे भी मच्छर भाग जाते हैं। कैम्फर डाल के जलाते हैं, कपूर डाल के जलाते हैं, तो कपूर से भी मच्छर और ये सब भाग जाते हैं। तो नीम से छिपकली भी भाग जाती है, और नीम के तेल के अलावा काऊ डंग हो गया, काऊ यूरिन हो गया, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको हार्म, आपको भी हार्म नहीं कर रही और उनको भी हार्म नहीं कर रही, बस उनको भगा रही हैं उस जगह से। क्योंकि अगर आप कोई भी केमिकल यूज़ करोगे जैसे ऑल आउट गुड नाइट, तो वो आपकी हेल्थ को भी हार्म कर रहे हैं। जो नेचुरल चीज़ है वो ना तो उनको हार्म करेगी ना आपको हार्म करेगी। जैसे सब्जियां उगाने के लिए बहुत सारे केमिकल यूज़ किए जाते हैं, क्या वो हमें मारने के लिए यूज़ नहीं किए जा रहे? बिल्कुल उनका प्रयोग सबको मारने के लिए किया जा रहा है, जिसके कारण आज कितने कैंसर इतना कॉमन हो चुका है, हर तीसरे चौथे व्यक्ति को कहीं ना कहीं का कैंसर है। तो हमें जागृति आनी चाहिए कि जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर उसका हमारे ऊपर कितना अधिक नुकसान है। हम बहुत स्वार्थी बनते हैं और हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन हम इस ज्ञान को लेना नहीं चाहते क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो हम अगर कॉकरोच मच्छर छिपकली चूहे मारते हैं उतना ही अपराध लगेगा, किसी का मर्डर कितने करने जितना अपराध हमें लगेगा। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट हमें इन सब चीज़ों को मारने के लिए नहीं पकड़ती, लेकिन कृष्णा के जो राज्य में, कृष्णा के राज्य में कोई चीज़ छुपी नहीं होती और हर कर्म का हिसाब हमको देना ही होगा। हमने एक जीव को मारा, उसका हिसाब हमको देना होगा। तो अवेयर रहें, ध्यान रखें और भक्ति करें, भगवान की सेवा करें, भगवान के नामों को लें, अवश्य ही हम इन सारी चीज़ों से आराम से बच सकते हैं। इजी सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें, तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666-839-839।